पूर्व मंत्री और हिंद रक्षक संगठन के माध्यम से हिंदुत्व का परचम लहराने वाले स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ की 13वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने संस्कृति रक्षा से ही देश की सुरक्षा को लेकर अपने अपने ओजस्वी विचार सभी के साथ साझा किए। देखिए ये खास रिपोर्ट। रविन्द्र नाट्य गृह में आयोजित हुई संगोष्ठी में सामाजिक कार्यकर्ता विनय कुमार सिंह और लोकसभा टीवी के एंकर पराक्रम सिंह शेखावत ने संस्कृति रक्षा से ही देश की सुरक्षा को लेकर अपने अपने विचार सभी के साथ साझा किए। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री उषा ठाकुर, विधायक मालिनी गौड़, भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष मनस्वी पाटीदार, भाजपा नेता गोलू शुक्ला समेत बड़ी संख्या में लखन दादा को चाहने वाले उनके समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ ने मीडिया से चर्चा करते हुए संस्कृति रक्षा से ही देश की सुरक्षा को आज के समय का महत्वपूर्ण विषय बताया। आज ब्रह्मलीन लखन दादा की 13वीं पुण्यतिथि थी, तो उस अवसर पर हमने जो आज का सबसे समय की जो मांग है, जिस विषय की जो समसामयिक मुद्दा है कि संस्कृति रक्षा से ही देश की सुरक्षा, इस विषय पर हमने व्याख्यान रखा था। आदरणीय विनय कुमार सिंह जी, पराक्रम शेखावत जी हमारे बीच में उपस्थित थे, उन्होंने अपने ओजस्वी विचार हमारे बीच में रखे। और आज जो सबसे बड़ा हमारे सामने थ्रेट है वो यही है कि एक बहुत बड़ा नेक्सस जो है वो देश को तोड़ने में लगा हुआ है। देश को तोड़ने के लिए सबसे जो सॉफ्ट टारगेट उनको लगता है वो हमारी संस्कृति है। संस्कृति को अगर नष्ट करेंगे तो देश अपने आप विखंडित होगा। तो संस्कृति ये लक्ष्य नहीं है, संस्कृति एक माध्यम है, लक्ष्य उनका देश है तोड़ने का। तो ये सब ताकतें बहुत ताकत के साथ देश तोड़ को विखंडित करने में लगी हैं। तो देश को विखंडित करने में कौन कौन सी ताकतें हैं, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, संस्कृति पर किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इस पूरे विषय पर एक बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान आज यहाँ पर विनय कुमार सिंह जी ने यहाँ पर दिया है, और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ ना कुछ युवा यहाँ से सीख के जाएंगे और संस्कृति रक्षण में अपना योगदान देंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। इस दौरान बड़ी संख्या में लखन दादा को चाहने वाले उनके समर्थक कार्यक्रम में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।